हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में 10th में देखा था, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की देखी थी। इससे हमने कुछ साइंटिस्टों के क्लासिफिकेशन देखी थी, जैसे टोवर्नियर ट्रेड्स था, न्यूलैंड स्लो और मेंडले। उसके बाद जो हमें टेबल पढ़ना है वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो हमें मोस्टली ने दिया था। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल को हम आज भी यूज़ करते हैं, इसी पीरियोडिक टेबल को हम आज भी प्रिपेयर करते हैं। अब देखते हैं इसमें जो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटम को ऐसे अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी उन्होंने जो ये टेबल जो उन्होंने ड्रॉ किया, उन्होंने कैसे ड्रॉ किया, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीज जैसे होते जाते थे वैसे ही उन्होंने अपने एलिमेंट्स को सेपरेट किया। मतलब कि जैसे हम देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है 1, इसलिए इसको फर्स्ट, ऐसे हीलियम का 2, इसलिए सेकंड। ठीक है, तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले देख लेते हैं कि हमारे जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 7 पीरियड्स है ना, और 18 ग्रुप्स है। ये 7 पीरियड्स मतलब जो ये वाली लाइन से आपकी हॉरिजॉन्टली वाली हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और जो फर्दर एलिमेंट्स है, ये टोटल इनकी 6-7 पीरियड्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स, यानी 1 से लेकर हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक के जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो है आपके 18 ग्रुप्स। ठीक है, यानी हमें ये पता लग जाता है कि इसके मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। और इसमें एक और चीज़ क्लैरिफाई कर रखी है उन्होंने कि राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम देखें, यानी इस तरफ देखें हम, तो इस तरफ क्या है, नॉन मेटल्स है ना, और लेफ्ट हैंड साइड देखें हम अगर इसकी बात करें हम, तो ये सारे मेटल्स है ना। और इस मेटल्स की बात करें यहाँ पे, ये इधर और ये इधर, ये तो ये क्या है आपके मेटलॉइड्स। इन मेटलॉइड्स को हम सेमी कंडक्टर भी कह सकते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स दोनों मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं या फिर सेमी कंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और, हमारी जो 10th की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैक्सिमम हम 20 एलिमेंट्स लर्न करते हैं, है ना, जैसे हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक 20 तक हम उनको लर्न कर लेते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चंस वगैरह अगर रिलेटेड आते हैं तो मैक्सिमम इस 20 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी जो हमें पढ़ना है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, एंड यहाँ से फिर 13, ये 12 हो गया, ये आपका है 13 और 13, ये 14, 15, 16, 17 और ये 18, है ना। तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, एक ये मेटल्स वाला ग्रुप और ये नॉन मेटल्स और ये आपका मेटलॉइड्स वाला ग्रुप। ठीक है, ये मिडल का पार्ट हम कवर नहीं करेंगे, ये 10th के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो ये आपकी लाइन है ये वाली, एक है कि लैथेनियम की वाली और एक है एसिड वाली, इनमें भी इनको फर्दर क्लैरिफाई किया गया है। इसको यहाँ से ये इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं और इसके भी इसमें 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये इन्हीं के पार्ट्स, तो ऐसे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। ठीक है, जो बातें थी मैंने आपको बता दी, 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप्स थे और उनको इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली इसमें अरेंज किया गया। और राइट हैंड की तरफ देखा जाए तो इधर नॉन मेटल है, लेफ्ट हैंड में मेटल है और इस तरफ जिगजैग की डिजाइन में आपके मेटलॉइड्स अवेलेबल है। ठीक है, अब दूसरी बात करें हम कि हमारे पास जो ये पीरियड्स अवेलेबल है, अगर हमें किसी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उस क्वेश्चन में आपको दे रखा है पीरियड्स नंबर दे रखा है और ग्रुप नंबर दे रखा है, तो आप पीरियड्स नंबर और ग्रुप नंबर्स के यूज से ही आप एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, उसको हम देख लेते हैं। जैसे ही आपको अगर पीरियड्स नंबर दे रखा हो, हम कंसिडर करते हैं, देखो 1 से लेकर 7 पीरियड है, अगर आपको उन्होंने बोला है कि आपके पास जो पीरियड है वो किसी एलिमेंट का अननोन एलिमेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना, किसी पीरियड का वो है सेकंड पीरियड में आता है। ठीक है, ठीक है, सेकंड पीरियड में आता है। जो ग्रुप है वो आपका
जो ग्रुप गिवन है वो भी आपका है टू, यानी उनका क्वेश्चन है कि आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसका पीरियड भी सेकेंड है और ग्रुप भी सेकेंड है। अब एलिमेंट बताइए कौन सा। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब हमें पीरियड गिवन होगा, जितने पीरियड्स गिवन होंगे उतने सेल्स होंगे, है ना। मतलब देखो पीरियड कितने गिवन है, टू गिवन है, तो यानी सेल्स भी कितने होंगे, टू सेल्स होंगे, यानी फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, ठीक है। और ये बीच में आपका होता है न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो हमें पीरियड से क्या पता लग गया, नंबर ऑफ सेल्स। ग्रुप से क्या पता लगता है, वैलेंसी, ठीक है। ग्रुप से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, वैलेंसी आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे ग्रुप में कितना रखा है, दो, यानी दो वैलेंस के होगी इसकी, यानी हम इसकी वैलेंसी कितनी रखेंगे, दो, यानी टू वैलेंसी होगी इसकी, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि इसके टू ही सेल है, तो जैसा कि हमें याद है कि हम किसी का सेल कंप्लीट करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में कितने होते हैं, सेकंड ग्रुप में, सेकंड सेल में कितने होते हैं और थर्ड सेल में कितने होते हैं। तो फर्स्ट सेल में हमें पता है टू होते हैं, तो टू प्लस टू कितना हो गया, फोर, यानी हमको पता लग गया जो हमारा एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, हमें पता लग गया इससे, इसके दो, इन दोनों के थ्रू हमने क्या निकाला, उसका एटॉमिक नंबर निकाला, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या आ गया हमारा, टू प्लस टू फोर आ गया, तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फोर आ गया। तो फोर किसका एटॉमिक नंबर होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, टू, लिथियम, बेरिलियम, यानी बेरिलियम हमारा है आपका एलिमेंट, है ना, यानी बेरिलियम आपका एलिमेंट, ठीक है। यानी किसी क्वेश्चन में आपको पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर भी गिवन होगा और आपसे बोला जाएगा कि एलिमेंट फाइंड दीजिए, तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू आप एलिमेंट फाइंड कर सकते, ठीक है। बस आपको मॉडर्न पीरियड के बारे में यही ध्यान रखना है कि आपके मेटल्स किधर है, नॉन मेटल्स किधर है, मेटलॉइड्स किस तरफ है, ठीक है। और जो हमें लर्न करना है वो कहाँ तक एलिमेंट्स को लर्न करना है और क्या प्रोसेस थे जो भी मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक चीज और कि जो ये आपका लेफ्ट हैंड की तरफ जो दो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। जो ये मिडल में है इसको बोलते हैं हम बी ब्लॉक, और ये नीचे की तरफ बने हुए हैं इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक, ठीक। और जो उस तरफ बने हैं उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं सारे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो मैंने पॉइंट्स दिख रखे हैं यहाँ पे, वैलेंसी और एटॉमिक साइज। तो पहले हम वैलेंसी देखते हैं कि वैलेंसी एक्चुअली होती है, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ कि वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट है जिसके सेल्स दो है, ठीक है, और उसके फर्स्ट सेल में दो होते हैं, ठीक है, और लास्ट सेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो हमारे पास फॉर्मूला है सेल कंप्लीट करने का वो हमें पता है, जो हमने पढ़ रखा है KLMN वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में टू होने चाहिए, सेकेंड में भी टू, थर्ड में सॉरी 2 8 8 8, है ना, ये स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। तो फर्स्ट सेल में हमने देखा कि टू इलेक्ट्रॉन्स है और उसके लास्ट सेल में है थ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, थ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी जो भी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट सेल में, वो आपकी हो जाएगी वैलेंसी, ठीक है। ऐसी जैसे हम किसी एलिमेंट का निकाल लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि नाइट्रोजन का जैसे निकालना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 है नाइट्रोजन का। तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, ठीक
ठीक है, फर्स्ट सेल में कितने होने चाहिए, टू, और लास्ट में कितने बच गए, फाइव, है ना। के सेल में कितने आ गए, टू आ गए। एल सेल में कितने आ जाएंगे, सेवन तो नहीं, सेवन में से टू माइनस करेंगे, सेवन माइनस टू माइनस जीरो टू फाइव, तो फाइव आ जाएंगे, है ना। तो यानी इसकी जो वैलेंसी हुई, इसकी जो वैलेंसी हुई वो फाइव इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वैलेंसी है ये, हम लिख देते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वैलेंसी क्या होती है, कि लास्ट सेल में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस एलिमेंट्स की वैलेंसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक साइज। अब देखो एटॉमिक साइज क्या होता है, कि जैसा अभी मैंने बताया आपको, जो हम सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी एलिमेंट्स का, तो उसके न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर सेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है एटॉमिक साइज। जैसे कि अभी मैंने नाइट्रोजन का बनाया था, टू एलिमेंट्स बड़ा कर लेते हैं, सेवन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये जो आपका मिडिल का न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है आपका, इस न्यूक्लियस से लेके और इस लास्ट सेल ऑर्बिट तक इसका जो डिस्टेंस है ना, ये डिटरमाइन करता है एटॉमिक साइज। ठीक है, यानी उसके न्यूक्लियस से लेके उसके लास्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है वो डिटरमाइन करता है कि एटॉमिक साइज क्या है उस एलिमेंट का। ठीक है, तो आज हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ये सारी बातें पढ़ी, कि मेटल किस तरफ है, नॉन मेटल किस तरफ है, है। लेकिन एक चीज और था इसमें, कि जो हाइड्रोजन है वो आपका मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है। इस हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी यहाँ पे जितने भी है वो सारे आपके मेटल्स। ठीक है, कुछ मेटल्स वो हैं जो अर्थ क्रस्ट से मिले हैं, जैसे सेकंड ग्रुप वाले जो अर्थ क्रस्ट के मेटल्स हैं। ठीक है, इसको अल्कलाइन भी कहा जाता है। तो आज इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने इतना पढ़ा। ठीक है, बैलेंसी पढ़ी, एटॉमिक साइज पढ़ा, और इस इतना पढ़ के ये जो चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा कंप्लीट होगा।